अमृतसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गोल्डन टेंपल में नतमस्तक एसजीपीसी में बंदी सिखों की रिहाई की रखी मांग, थोड़ी देर में जलियांवाला बाग पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने विमान में आज अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। इसके बाद वह सीधे गोल्डन टेंपल पहुंच चुकी हैं। गुरु घर में नतमस्तक होने के बाद वह जलियांवाला बाग में शहीदों को नमन करने पहुंचेंगी। अमृतसर में वह दुर्गयान मंदिर और फिर राम तीर्थ में भी नतमस्तक होंगी। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद द्रौपदी मुर्मू की यह पहली पंजाब फेरी है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलने के बाद राष्ट्रपति का काफिला गोल्डन टेंपल पहुंचा। यहां सांसद गुरजीत ओजला उनके साथ साथ चलते दिखे। परिक्रमा के दौरान गोल्डन टेंपल के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी एसजीपीसी सदस्यों ने उन्हें दी। इसके साथ ही एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद वह सीधा जलियांवाला बाग पहुंचेंगी, जहां वह शहीदों को नमन करेंगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गोल्डन टेंपल विजिट के दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने दो ज्ञापन सौंपे हैं। प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पहला ज्ञापन बंदी सिखों की रिहाई और दूसरा ज्ञापन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दी गई मान्यता को लेकर दिया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।